तो माली भाई जिन जिनको मैंने कहा था कि मंजिल भाई से मिलना है सामने देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल गाइस, क्रूज कंट्रोल वैनम का। फ्लाई भाई मैं सही में तो बता रहा हूँ, इतना मतलब बढ़िया बंदा है ना, मतलब यार अभी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मेरे को तो काफी बढ़िया लगे हैं। Hey guys, what's up, कैसे हो? तो गाइज फाइनली अभी हम आ चुके हैं जैकपॉट पे। जैकपॉट पे खड़े होके हम क्या कर रहे हैं तुम इस टाइम यही सोच रहे होगे। पहले सामने व्यू चेक करो भाई, आज पता नहीं क्या फंक्शन है या क्या सीन है। तो भाई वो सब छोड़ो, एक जे मतलब भाई कह रहे थे कि आज रोडू से बाबा आ रहे हैं, तो मैंने जिन जिन भाई को कहा था कि रोडू से बाबा से मिलवाएंगे, तो भाई फाइनली आज भाई ने मतलब बात हुई थी और भाई कह रहे हैं कि इधर मतलब आज मैं आ रहा हूँ अपने स्टैंड पॉइंट पे, तो स्टैंड पॉइंट पे मिलेंगे वहीं पे जाके। स्टैंड पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, हमारी पहली वीडियो वहीं से वायरल गई थी। और चेक करो भाई सामने कौन खड़ा है, अभिषेक भाई, छोटा नाम बब्बू, बब्बू डॉन। तो भाई बब्बू भाई पहले हाथ मिलाओ, ब्लॉगर्स का दूसरा स्टाइल, पहले भाई हाथ मिलाओ फिर दूसरी बार फिर से हाथ मिलाओ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी जैकपॉट से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और अभी हम सीधा निकल रहे हैं तो मतलब अपने जो स्टैंड पॉइंट के लिए वहीं है। और रक्षू को भी कह दिया हुआ उधर आ जाएगा वो थोड़ी देर में, पर पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, वो तो वहीं पता चलेगा जाके। अभी मैंने मुझे जो फ्लैशर लगा रखा है उसी से हम पागल हो जा रहे हैं, क्या सीन है भाई, चल क्यों नहीं रहा है? तू चला रहा है आज? अरे तू चला रहा है, बोलना चला लेगा। अच्छा आज आपको पप्पू कह रहा है बिजली दिखाऊंगा, दिखा देगा पप्पू भाई रंद, ऐसे पता चले तू मैं आज बिजली के साथ ही उठ गया हुआ है भाई। देख ले आगे स्कॉर्पियो है, बोनेट बहुत बड़ा उसका भाई, गया तो है खैर मोड़ ही लेगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही सीन कर सकता है। भाई अभी का जो मैटर है वो सारा अभी रोड पे बात करते हैं बाकी, और जाके निकलते हैं अभी भाई से बात करते हैं क्या सीन रहेगा क्या नहीं। और अभी निकल रहे हैं ऐसे दो मिनट में फिर टैक्स से भाई पे मिलते हैं, अभी स्टैंड पॉइंट के लिए निकलेंगे सीधा भाई। चलो यार अभी चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से फुल पावर, अभी इसी रोड से यू टर्न लेके सीधा अभी स्टैंड पॉइंट के लिए निकलेंगे भाई। चेक करो साउंड, चेक करो अभी साइड से निकलते हैं, अब लो ना मजा गाइस। बूम बूम, अभी आगे से ही उतर लेंगे जहाँ रास्ता मिलता है हम निकल जाते हैं, हमें कैब चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दिक्कत पता क्या है, अभी रात के समय ट्रैफिक बहुत हो गया इस रोड पे, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है इस टाइम पूरा, मतलब चंडीगढ़ से जो मेन फ्लाई ओवर है उसमें तो है ही है, यहाँ पे जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पे भी यही हिसाब है। तो अभी देखते हैं गैप निकालने की कोशिश करते हैं, अभी आराम से मैं पता क्यों चलाऊँ, क्योंकि थोड़ा रोड भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ स्टैंड पॉइंट के लिए जो जाता है रोड, वहाँ से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं। गाड़ी क्या चला रहा है भाई, वो बंदा फुल पावर भगा रहा है भाई, क्या कट मार रहा है गाड़ी वाला, ये HR16 भाई क्या ही गाड़ी में कट मार रहा है, एकदम एंड लेवल चला रहा है गाड़ी को भाई, मैं वही तो देख रहा हूँ कट कितने तगड़े मार रहा है। चलो भाई लेट्स गो, अरे टाइम मेरा था फोटो।
सो फाइनली भाई जिन जिन को मैंने कहा था कि मंजिल भाई से मिलना है, सामने देख सकते हो भाई से मिल गए यार कसम से। अच्छा लगता है हिमाचल से जब अपने भाई काफी देर से उधर खड़े थे पर बाइक उनकी कवर थी इसलिए ध्यान नहीं किया। बहुत अच्छा लगा आपसे उनकी बात हुई थी, आप कह रहे थे 10 बजे के करीब आओगे, मेरा आइडिया वही था 10 बजे। मैं तो ऐसे ही आ गया रैंडमली यहाँ पे आ गया, मैं मंजिल भाई आगे बैठे हुए हैं, मंजिल भाई के काफी राजा भाई जम्मू की अभी उधर ही जाए, बाकी तो उधर ही अभी लोग चले हुए उनके सब सब जाना है। अभी सीन पड़ा हुआ है भाई का उनके शफकत भाई के साथ, हाँ शफकत भाई के काफी ज्यादा तगड़ा सीन है। ठीक है बिल्कुल चेक करो, बंदा एक भी नहीं मार रहा है, काफी तगड़ी खतरनाक एंड लेवल के अभी चेक करना है, मेरे आईडी से मारेगा यार। ये क्या सो फाइनली गाइस आप मंजिल भाई से मिल चुके हैं और ये हमारे रहे हैदराबाद, देख रहे हो कि भाई मैं सही मैं तो बता रहा हूँ इतना मतलब बढ़िया बंदा है ना, मतलब यार अभी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगे हैं जिस हिसाब से उन्होंने बात की ना, ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि अननोन बंदे हैं, ऐसा लगा कि बंदे पहले से ही मिल रखे हैं हमसे और इसको तो पैसे मिले हुए हैं। भाई मुझे एक बार मिल चुके हो, भाई का नेचर इतना बढ़िया ना, मैं बोलूँ यार भाई ना क्योंकि नेक्स्ट और खुशी होती है ना अपने हिमाचल का, मतलब यार एक किस लेवल पर पहुँच चुका है और देखिए स्पार्की को भी बिजली वालों के लिए क्या। तो भाई फाइनली कैसा लगा यार पूरा घूम घाम के वापिस रूम को आ गए और मंजिल भाई से मिलकर तो यार मज़ा ही आ गया, इतने सही मतलब यार इतना सही बिहेवियर है ना उनका, मतलब यार क्या ही बोलूँ यार, तुमने खुद ही देख लिया यार वीडियो में कैसा उनका बिहेवियर है। तो अभी ऐसे मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि किसी का बहुत बढ़िया बिहेवियर है, पर आप खुद देख रहे हो कि कैसा है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भाई झूठ नहीं बोलती है। ठीक है स्कॉर्पियो गैंग आपके बस की बात नहीं है, अरे वाह फुल पावर बगाना पड़ती है इसके लिए, आप बगाना बेटे क्या हो गया स्कॉर्पियो वाले की बैटरी खत्म हो गई मेरे आईटी से गई। चलो भाई थार वाले चल पीछे, अरे तुम पंगा कैसे ले रहे हो वैनम वर्जन 3 और ऊपर से BS4 यार, मैंने पहले ही कहा है ये ना मतलब वो चीज़ है जो एंड कर देती है सब कुछ, किल कर देती है, किलिंग मशीन है पूरी किलिंग, मज़ा आ जाता है इस मशीन को चलाने का, राइड करने का जो मज़ा है ना, जो मैं सीरियसली इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसका ओनर हूँ यार, मज़ा आता है भाई। ये एक ऐसी चीज़ रखी है जिसको चलाने का बार बार मन करता है भाई। तो भाई अभी बब्बू को ड्रॉप करते हैं इसके घर के रूम, मतलब रूम में ड्रॉप करते हैं इसके और अभी हम भी रूम को आते हैं वापस। गल ओ तेरी आंटी भाई आंटी बड़ी खतरनाक भागी, मेरे को लगा आज आंटी लिपटेगी अपने साथ ही, पर चलो कोई बात नहीं आंटी तो लिपटी नहीं, पर हट जाओ अंकल आप लिपट लो आंटी से। लो ये चलो अंदर ऐसे आई करूंगे ऊपर, नहीं नहीं भाई अंकल वैसे आई करूंगे, पता चले तेरे को कूट रहे हैं मेरे को भी साथ में कूट लिया इकट्ठे इकट्ठे लपेटेंगे। ओए बात सुन तो सही लिखा की है तेरी, ओ भाई मेरी एक सामने ले लो वो आ रही आ रही आ रही यहां पे, वो ये भी साथ में रहती है। अच्छा तेरे साथ में रहती है वो, दूसरी बंदी अलग है वो यार, तो जस्ट टाइम पास उसके लिए नहीं भाई। भाई क्या बात कर रहा, चल ठीक है भाई भाई ये मजा लेता है पूरा यहाँ पे पूरा एंजॉय करता है। ओके भाई ठीक है ओके लो भाई अभी ये भी निकला, आप भी निकलते हैं सीधा रूम के लिए, तो अभी यहाँ पे तो मेरे हिसाब से रुकना ही पड़ेगा। तो भाई ये है नई थार रॉक्स जो आई हुई है अभी अभी लाइन से उस पार ही लगे हुए हैं भाई, तो यही है जो नई थार रॉक्स आई हुई है बड़ी प्यारी महिंद्रा वाला उन्होंने निकाली हुई है, लेंगे भाई इसको भी जब होएंगे उस लेवल के। भाई लेट्स गो यार टाइम नहीं वेस्ट करना है, चलो भाई अब देखो एंजॉय करो नाइट राइड। भाई सो तो ऐसे ही टाट जाती है रात को, तो ऐसे होता है मतलब सब एंड करने वाला सीन, जहाँ से गैप मिले ना वहीं पे मेरे को बस लाइट दिखनी चाहिए कि जहाँ पे लाइट पड़ रही है और वहीं को निकलना है सीधे,
तो भाई मज़ा तो बहुत आता है यार ब्लॉगिंग करने में, तुम भी करा करो यार। ब्लॉगिंग करने से ना एक ना रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, और बंदा बोलता रहे और मतलब जैसे बात भी करता रहे ना अपने ऑडियंस से, तो मज़ा बहुत आता है। क्योंकि यार बंदों को नई नई बातें बताओ अपने बारे में, या फिर ब्लॉग की डिटेल्स हो, ये क्या है रात को क्या क्या हो रहा है भाई। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि यार ब्लॉग बनाया करो भाई, इंजॉय करा करो, लाइफ एक ही है भाई, बार बार नहीं मिलेगी, जितना हो सकता है इंजॉय करो इसको, फुल मज़े लो इस लाइफ में। और यार तो गाइस मैं कुछ भी बोला उससे पहले यार, सबसे पहले आप ये चेक करो यार इस ब्यूटी को, मतलब रुको यार एक मिनट, अब चेक करो गाइस इस ब्यूटी को, कितनी प्यारी लग रही है यार। आपको पूरी दिखाता हूँ, पीछे से जो लग रही है ना इतनी सुंदर लग रही है यार पीछे से। हाँ यार मज़ा आ जाता है यार, फ्लैशर बहुत सही चीज़ है। इसके बहाने आपका ये भी चला रहता है जो इंडिकेटर का सिस्टम है, इसका स्विच जाम नहीं होता है भाई। मेरा जाम हो गया था क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करता था इंडिकेटर, और भाई ये टायर डलवाने के बाद तो जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, दिमाग हिला देगा आपका, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। मैं मानता हूँ कि सीएट जूम बहुत तगड़ा टायर है, यहाँ से भाई क्या लगती है भाई, मज़ा आ जाता है इसको सारी साइड से देखने को। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ, और तुम्हारे कहने पे यार तुम्हारे भाई ने मंजुल भाई से मिला दिया है अपने रोडू से बाबा, और यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रा बॉय। तो भाई जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी जल्दी यार 1000 कंप्लीट कराओ, और धीरे धीरे हम उसी हिसाब से वीडियो लाएंगे जिस हिसाब से आपको पसंद आएगी। तो भाई कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरे को भी आइडिया लग जाए कैसी वीडियो आपको चाहिए कैसी नहीं, पर क्या मिस्टेक हो रही है वीडियो में क्या नहीं। तो भाई प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, और लाइक करने से भाई कुछ भी नहीं होगा भाई, ना ही आपकी स्टोरेज फुल होगी ना ही कुछ भाई, बस अपने भाई तुम्हारे भाई को सपोर्ट हो जाएगा कि भाई तुम बनाओ वीडियो और आगे से आगे हमें बताओ, एंटरटेन करो, मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, इसका एक हमें मिल जाता है आगे। तो भाई यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करो, और दिल से सपोर्ट करो यार भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी रात के मैं 10 बजने वाले हैं, अभी एक मिनट में इसी में टाइम दिखा दूँ। तो भाई 9:47 हो गए हैं, और भाई काफ़ी लेट हो गए हूँ घर पे भी, अभी सुनने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है पापा से, तो गालियाँ पड़ रही हैं, कह रहे हैं कहाँ पे हैं कहाँ पे हैं। तो अभी थोड़े दिन में वैसे मैं हिमाचल जा रहा हूँ, और हिमाचल से एक और सैड न्यूज़ आई है, अपने अक्षु भाई जो KTM वाला जो अक्षय दी स्ट्रीट राइडर जो यूट्यूब चैनल है, तो भाई का अपने एक्सीडेंट हो गया है, आज ही हुआ है। तो भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ है सीन क्या नहीं, पापा ने मेरे को कॉल की थी कि ऐसे ऐसे करके उसका एक्सीडेंट हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऑल्टो के साथ हुआ है, और कनेक्टर साइड जो है ना मतलब ऑल्टो की ख़त्म हो रखी है, और बाइक भी टोटल लॉस पे है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, यार ऐसा होना नहीं चाहिए यार, पर जो एक से एक बढ़ के सीन हो रहे हैं ना आगे से आगे, मेरे को समझ नहीं आता है भाई क्यों होते हैं ये सीन। तो फाइनली भाई वैनम खड़ी कर दिया, अभी गेट को करते हैं बंद, काफ़ी टाइम लगा दिया हमने घर पहुंचते। तो भाई ऐसे से अक्षु का सीन हुआ है, तो यार आई विश कि भाई बिल्कुल ठीक हो, कह तो रहे हैं अभी हॉस्पिटल में, अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो काफ़ी दुख की बात है यार, मतलब यार अपने बंदों के साथ जब ऐसा होता है ना, हिमाचल में यार दो सीन हो गए हैं अपने जो खास बंदे थे ना, मतलब जिनको अच्छे से जानता था, जिनसे अच्छी खासी बात थी मेरी, तो उन्हीं का सीन हो गया। अभी यार चाबी फंस गई, अब अभी लॉक लग गया, तो उन्हीं का सीन हो गया है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, कब तक भाई ठीक होते हैं ठीक नहीं। तो दुख इस बात का है यार, दो बंदे हैं, एक पहले अपने भाई का एक और भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने R15 V3 की डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो V4 थी, तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, और अभी इस टाइम RC390 का भी एक्सीडेंट हो रखा है। तो यार काफ़ी दुख लगता है इस बारे में। तो यार कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दो, अभी मैं निकलता हूँ क्या, रूम में पहुँच गया, अभी रूम को ही जा रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आया आज ब्लॉग देखने में, तो यार प्लीज़ लाइक करना।